हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए आईटी शेयर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टीसीएस बनेगा ये आईटी शेयर, क्या आपको लगता है ये आईटी शेयर टीसीएस बनेगा? तो जानते हैं इसको, इस कंपनी को डिटेल में जानते हैं और वीडियो के एंड तक आप बता पाओगे कि टीसीएस बन सकता है या नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है, और लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ट्रेंड्स में भी, और नए नए एक्विजिशन कर रहा है साथ के साथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस कंपनी की, लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। और अब देखिए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको टॉप आईटी कंपनीज में। टॉप आईटी कंपनीज में टीसीएस मतलब 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकेंड नंबर पे आता है इन्फोसिस, थर्ड पे आता है विप्रो, एंड फोर्थ पे आता है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस 3,09,000 करोड़, विप्रो 1,55,000 करोड़, एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी 1,39,000 करोड़। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ अगर आप टीसीएस के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए टीसीएस का कहाँ 7.5 लाख करोड़, इसका 1.5 लाख करोड़ भी नहीं है। तो लेकिन अगर आप HCL को देखोगे, HCL का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस, लेकिन TCS से इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है। TCS का देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों फैक्टर्स बहुत बेहतरीन है। इवन इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत बढ़िया है, इसलिए पी रेशियो काफ़ी कम है। चलिए ये सब तो ठीक है, वही अगर TCS से आप कंपेयर करते हो उसको, तो TCS देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ TCS से थोड़ा कम ज़रूर है। और लेकिन इंट्रिंजिक वैल्यू अगर देखते हैं तो TCS की अच्छी खासी है, वहाँ पर कम है HCL की, आप देखिए। बट ये है, अभी हम HCL की बात कर रहे हैं, और HCL फोर्थ नंबर पे आता है, TCS फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन जो न्यूज़ चल रही है HCL टेक्नोलॉजी में, वो देखिए आप। HCL टेक्नोलॉजी ने अभी US बेस्ड फर्म एक्वायर करी है, ये मार्च 13 की अपडेट है। HCL टेक्नोलॉजीज ने US बेस्ड फर्म, जिसका नाम क्या है, ब्रिज एनविजन, स्ट्रॉन्ग ब्रिज एनविजन SBE, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग फर्म है, जिसके ऑफिसेस सिएटल, डेनवर, अटलांटा, न्यूयॉर्क सिटी, इन सारी जगह पर इसके ऑफिसेस भी हैं। चलिए, इस एक्विजिशन के साथ HCL एक ग्लोबल डिजिटल एंड एनालिटिक बिजनेस, देखिए आजकल के डेट में बहुत डाटा पड़ा है, हर जगह डेटा पड़ा है, उसको एनालाइज करना है, तो एनालिटिक्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, खास करके आईटी सेक्टर में। तो कि डेटा कहीं से भी हो, आईटी की कंपनी जैसे सर्वर्स चाहिए, उनको एनालाइज करना है, तो एनालिटिक्स, डिजिटल एनालिटिक्स का काम जबरदस्त तरीके से। तो इस बिजनेस में HCL भी एक ग्लोबल फर्म है। हाउएवर द कंपनीज डिड नॉट शेयर द साइज ऑफ द डील, अभी तक मतलब कितने करोड़ की डील हुई, कितने मिलियन डॉलर की, कितने बिलियन डॉलर की डील हुई, ऐसा अभी तक कंपनी ने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अभी जस्ट इंफॉर्मेशन दी है वी हैव एक्वायर्ड दिस कंपनी करके। चलिए, ये तो हमने जान लिया लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। अगर HCL टेक्नोलॉजीज़ की हमने डिटेल जानी, TCS का उससे का कंपैरिजन जाना, अब मैं आपको एक चक्कर HCL का टेक्निकल ग्राफ दिखाता हूँ। तो HCL का अगर आप टेक्निकल ग्राफ देखें, 2009 की गिरावट के बाद, देखिए आईटी शेयर्स 2009 में बहुत ज़बरदस्त गिरे थे, आईटी शेयर के सारे ही शेयर्स लगभग गिरे थे, लेकिन 2009 की गिरावट के बाद जो प्रोग्रेस HCL ने करी, देखिए 50 रुपये का भी शेयर ये था नहीं, और आज की डेट में कितना हाई बनाया इसने, ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का। तो 50 रुपये का शेयर 10 साल में 1100, आप खुद सोचिए कि कितना रिटर्न हुआ ये, और मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया। एक बार बीच में इसमें 1100 के लेवल से गिर के ये 700 के लेवल पे आ गए थे, यानी 11 जुलाई 2016 के आसपास, उसके बाद वहाँ से भी इसने बहुत बढ़िया, मतलब लार्ज कैप का स्टॉक है, इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन। ये देखिए इसका जो बाइंग लेवल है, अब कई बार मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो टेक्निकल लेवल पर बाइंग लेवल ज़रूर शेयर करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि वो बाइंग लेवल कम हो ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। तो बाइंग लेवल से इसके ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे दिखता है 980 से 980, इस रेंज पर बाइंग लेवल दिखता है। यहाँ से 10-15 रुपये नीचे भी चला जाए, बट ये सपोर्ट रेंज यही दिखती है। ऑल दो ये सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के, तो 930 की रेंज आती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 950 से 980 की रेंज ही दिखती है, जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है आने वाले टाइम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कि क्या HCL TCS बन सकता है कभी आने वाले टाइम में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स जरूर, कमेंट्स मोटिवेट करते हैं, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।